सभी को नमस्कार। आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ सुपर काउंटर ध्रुव की जो 25 कॉमिक्स हैं जनरल राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से, इन दोनों का कंपेयर का वीडियो। तो जब से ये बुक्स मैंने अनबॉक्स करी हैं, काफ़ी टाइम से मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे आप कंपेयर का वीडियो बनाओ, बट टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने सोचा मैं इसको बनाऊँ। अच्छा, ये पॉसिबल इस वजह से हो पाया, इन दो बुक्स की वजह से, इसलिए मैंने ये भी रखी है, राम और हनुमान जो पवन पुत्र हनुमान, ये दो बुक्स हैं। हुआ क्या था कि मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये कॉम्बो आया था राम और भगवान श्री राम का, और ये बुक मैंने परचेज़ करी थी। इसका MRP था 120 रुपये। और फिर एक मनीष गुप्ता जी ने मैं कॉम्बो लेके आए, लेकिन वो ये मनोज जी का जो कॉम्बो था वो राम हिंदी और इंग्लिश वाला कॉम्बो था, ये जो कॉम्बो लेके आए राम हनुमान करके लेके आए, तो इनमें से मैं ये वाली बुक उठा लेता हूँ। और ये बुक जो है वो आई 75 रुपीज़ के हिसाब से, यानी इससे थोड़ी सी, मतलब हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा, मतलब हाफ मान सकते हैं पर। और इसमें जो पैटर्न नज़र आया, इसमें क्या था कि आपके बहुत ज़्यादा पंची और ब्राइट कलर थे, और अंदर मैप भी तो पेपर्स थे, जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ। और यहाँ पे जो ये कवर था वो बिल्कुल वाइट था। यहाँ पे इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा कवर था, आप देख सकते कलर लाइट थे, लेकिन इसमें ना कलर लाइट होने से आर्ट काफ़ी निखर के आ रही, बहुत अच्छी नज़र आई, और हाथ में लेकर बहुत अच्छी क्वालिटी फील हुई। अंदर के पेपर ग्लोसी या मैट फिनिश हो रहे थे, और यहाँ पर वाइट पेपर ना होकर के आर्ट का यूज़ किया गया था, मतलब मोरलेस प्रोडक्ट बहुत अच्छा उन्होंने बनाया। इवन इस जो भगवान श्री राम और बुक है उसका एक एक्चुअल विंटेज कवर ये था, एक्चुअली वो कवर भी दिया, और एक बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट उन्होंने बना करके मुझे। और जैसे ही ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया, ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने उसी वक्त, मतलब सेम वही टाइम चल रहा था जब ये ध्रुव की सब ये 32 आने वाली थी, मतलब शायद आने वाली थी या आ गई थी ऐसा था। और मैंने जब इस क्वालिटी को देखा और प्राइसिंग को देखा, जैसे इसकी प्राइस 120 है और इसी प्राइस लगभग आती है, तो मैंने एग्जैक्टली ये ऑर्डर कर दिया। हालांकि मैं इनको बिल्कुल स्किप करने वाला था, रीज़न कि मनोज गुप्ता जी के ऐसे पेपर बैग मेरे काफ़ी हो गए हैं, शायद 2-3 सेट हो गए हैं, प्लस कलेक्टेड एडिशंस काफ़ी हो गए हैं ध्रुवोदय वाले, वो भी अलग अलग वेरियंट्स में, और अब डाइजेस्ट हो गए बहुत सारे संजय गुप्ता जी वाले हिंदी में इंग्लिश में वगैरह, और उसके बाद में मनीष गुप्ता जी का जो ध्रुव आरंभ करके आएगा, जो इन 25 का कलेक्टेड एडिशन आएगा 2 वॉल्यूम में, उसकी भी डबल कॉपीज़ मैंने बुक कर दी है, तो मैं इसको बिल्कुल स्किप कर रहा था, बट इनकी क्वालिटी देख करके मैंने वो ऑर्डर कर दिया। अब इस बात को पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ जहाँ पर काम कर जाती है, कई बार उसी काम नहीं कर पाती, दोनों बातें। अब ये चीज़ यहाँ पर सेम कंटिन्यू करें तो फिर वही पैटर्न वही है। देखो, जैसे ये बुक थी मनोज गुप्ता जी की तरफ से और ये बुक थी मनीष गुप्ता जी की तरफ से, जिसमें कलर्स लाइट थे, अंदर भी देखोगे तो आपको कलर्स थोड़े से लाइट नज़र आएंगे, लेकिन वो क्योंकि पेपर की क्वालिटी अलग है तो बहुत आर्ट निखर के आ रही है, आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पाएंगे यहाँ से। तो अब वही चीज़ इन्होंने शायद यहाँ पे ट्राई की होगी, इन्होंने इसे वही पैटर्न रखा, मतलब अगर आप इंडिविजुअली मनोज जी से कंपेयर ना करके इन बुक्स को अगर कंपेयर करो, जो क्वालिटी हाथ में लेके 75 में ये फील होती है, वही 75 में सेम क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी है, वैसा ही बिल्कुल अच्छे से लेमिनेटेड कवर है सब कुछ है, तो इंडिविजुअली तो बहुत अच्छी बुक्स हैं ये 75-75 रुपये के हिसाब से, क्योंकि सेम जो बुक्स हैं वो मनोज गुप्ता जी के 100 रुपये के हिसाब से है, ये इनका जो MRP है, इवन संजय गुप्ता जी वाला भी ये रेगुलर साइज़ में है। मनोज गुप्ता जी का मैं एक पॉइंट मेंशन कर दूँ कि शुरुआत में वो ये बुक 60 रुपये में लेकर के आए थे, जिसमें लिखा होता था एक स्टिकर मुफ्त, हालांकि ये उसके बाद का रिप्रिंट जो 70 रुपये वाला है, देखिए 70 रुपीज़ है और स्टिकर मुफ्त, तो ये 60 का भी आया था, 70 का भी आया था, 80 का भी आया था, फिर 90 का नहीं आया था, 100 का आया था, ये 100 वाला है, इसके पीछे MRP 100 रुपये लिखी हुई है, और इस पर स्टिकर मुफ्त ना लिखे, यहाँ पर लिख दिया एक रोमांच कॉमिक्स, तो ये एक डिफरेंस मैं आपको बता दूँ कि ये 100 का हमेशा से नहीं था, ये 100 का अब हुआ है, ये 70 वाला है, और इन दोनों में मैंने अभी मैंने मैच कर देखा, अंदर कहीं से कोई मतलब चेंज नहीं है, एग्जैक्ट दोनों बुक सेम लगती हैं, तो ये लेकिन संजय गुप्ता जी की शुरुआत से 100 रुपये की थी जब से उन्होंने रिलीज़ की थी, ये एक डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, मतलब मनोज जी की 60-70 की आती थी विद स्टिकर, और संजय गुप्ता जी की विदाउट नोवल्टी 100 रुपये की आती थी, लेकिन आज मनोज जी की भी 100 रुपये की, लेकिन आज मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, ये 21 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आते हैं, तो 2024 में ही ये बुक्स आई हैं, बिग साइज़ है, अगेन सेम वही चीज़ आ जाएगी, जैसे कि 120 की ये बुक है और उससे मच बेटर ये बुक 75 रुपये की है, सेम वही है 75 रुपये के हिसाब से, यहाँ एक चेंज आता है। तो आप देखोगे छोटी जो बुक है वो है 100 रुपये की, अभी MRP अगर मैं कंपेयर करूँ, बड़ी जो बुक है वो है 75 रुपये की, डेफिनेटली ये विनर है, क्योंकि बिग साइज़ में अगर आती हैं बुक्स जैसे संजय गुप्ता जी की तो बहुत कॉस्टली आती है, इवन इनका डाइजेस्ट भी 700 रुपये का है या 600 रुपये का है 5 बुक्स का, तो वो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत कॉस्टली है डाइजेस्ट, बिग साइज अगर बात करें उसमें कुछ खास होता भी नहीं है, तो उस लिहाज से ये इन्होंने अब किसी भी पब्लिशर के दिमाग में होगा ना कि आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रीमियम की परिभाषा अलग अलग होती है। जैसे संजय गुप्ता जी जब ये मनोज जी 60 या 70 की लाए थे मान लो ये बुक, तो संजय जी ने ये 100 की निकाली विदाउट नोट की, तो
अब उसको आप चेंज कैसे करोगे रेगुलर साइज था। तो उन्होंने क्या करा, उसमें लाइट प्रिंटिंग कर दी थी। मतलब उन्होंने सोचा होगा शायद इसको प्रिंटिंग को लाइट करेंगे, आर्ट ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाएगा। और सेम यहाँ पे हमको नज़र भी आता है कि अगर आप ऐसा करो तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। ध्रुव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर की प्रिंटिंग जो है, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले तो कवर अगर आप कंपेयर करोगे तो मनोज गुप्ता जी अगेन जैसा भगवान श्री राम वाले में था, ज़्यादा पंची लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट डिफरेंस आया था कि यहाँ पर ये ब्राइट अच्छा लग रहा है, एक ये बात, पर इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है, इसको इंडिविजुअल देखे तो। दूसरा जो प्रतिशोधी जोरा लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट इस पर छोटा कर दिया है, मतलब छोटी बुक में बड़ा है, बड़ी बुक में छोटा है। अब इसका भी एक रीज़न क्या होता है पता है, जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो तो आप ये अननेसेसरी लोगोज वगैरह हटा देते हो, मतलब आर्ट को ज़्यादा उभार के सामने लाते हो। अगर संजय जी के आप कलेक्टेड एडिशन या डायरी देखोगे तो उसमें जहाँ पे कवर दिए हुए होते हैं तो वहाँ पे ये टाइटल वगैरह हटा करके छोटा कर दिया जाता है कि आपको आर्ट, तो हो सकता है कि पब्लिशर ने या मनीष जी ने सोचा हो क्या इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आर्ट ज़्यादा नजर आएगी, लेकिन फिर भी कंपैरिजन में कई बार ये अच्छा भी लगता, तो वो ये एक डिफरेंस आता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर मैं ध्रुव की बात करूँ तो हाँ ये पंची कलर इसमें अच्छे लगते हैं, एक बात। दूसरी बात अंदर की प्रिंटिंग, डेफिनेटली अंदर की भी ऐसी होगी, जैसे इसमें लाइट है प्रिंटिंग थोड़ी, इसमें थोड़ा डार्क है, और ये अच्छी लगती है डार्क प्रिंटिंग। होता अगर सेम ऐसी प्रिंटिंग होती तो अच्छा लगता, पर वही संजय जी वाली बात आ जाएगी, वहाँ पर हमने उस वक्त ये 60 की थी और 100 की, तब उसको प्रीमियम कंसिडर कराया था। और एक और बात है कि इसको एज इट इज़ रिस्टोर किया गया था ओरिजिनल वर्जन में, जैसे 70 वाला भी दिखाया था, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इसका कवर इनिशियली आया होगा तो उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखा गया था, वेरी गुड क्वालिटी प्रिंटिंग। तो 100 वाली में भी ऐसा किया गया, ठीक है, लेकिन अब मनीष जी ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं, और डेफिनेटली क्योंकि इतनी बार ये प्रिंट हो चुकी है, संजय जी कर चुके हैं, मनोज जी कर चुके हैं, मनोज जी कितनी बार ये प्रिंट कर चुके हैं, 60, 70, 80, 100 है ना, और बहुत सारे और भी कलेक्टेड एडिशन डाइजेस्ट बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कलर कर दिया उन चीज़ों में, मतलब जो ऐड इनको दिया था उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया। अब इसको आप प्रीमियम कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये एफर्ट है, मतलब आपको चेंज कुछ देने का, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो प्रिंट करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको सेम चीज़ प्रिंट मिलेगी तो आप क्या करोगे। बैक में भी ऐसा किया, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट था सब कुछ, उसको यहाँ पर कलर में दिया और ग्लोसी में दिया। अब कुछ लोग इसको छेड़खानी बोल सकते हैं कि यार जो ओरिजिनल जो मूलभूत रूप था, फिर अगर आप आपको वो पसंद है तो फिर आपको ये बुक 100% पसंद आएगी मतलब। लेकिन अगर आप प्राइसिंग को ध्यान में रखो, साइज़ को ध्यान में रखो, क्वालिटी ऑफ पेपर वगैरह ध्यान में रखो, तो ये एक चेंज है मतलब इसमें। यहाँ पे डिजिटल कलरिंग नज़र आती है, देखिए थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल फ्लैट कलरिंग नज़र आती है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब इस चेंज को आप किस तरीके से लेते हो आप डिपेंड करता है, बट हाँ ये मैं बोलूँगा ज़रूर कि पहली बार बिग साइज़ में पेपर बैग्स आए हैं, मतलब बिग साइज़ में डाइजेस्ट आया है संजय गुप्ता जी की तरफ से, सिर्फ डाइजेस्ट, और मनोज जी की तरफ से अभी तक बिग साइज़ में ये बुक्स नहीं आई हैं। मनोज जी ने इसके पेपर बैग्स भी निकाले, इसके डाइजेस्ट भी निकाले, इसके कलेक्टर एडिशंस भी निकाले, दो बार कलेक्टर एडिशन निकाले, ध्रुवोदय भी अलग दो बार निकाला उन्होंने, बट इसी साइज़ में आए। संजय गुप्ता जी भी इस साइज़ में लाए, इस साइज़ में डाइजेस्ट लाए, लेकिन हाँ बिग साइज़ में डाइजेस्ट उनके अवेलेबल है, लेकिन इंडिविजुअल पेपर बैग्स फर्स्ट टाइम आए हैं बिग साइज़ में। और 2024 में आपको ये 100 रुपये MRP मिलता है, ये 70 रुपये, हालांकि ये कि अभी डील में एक बार अच्छी डील में मिल गया था, वो एक डिफरेंस आता है। तो अब नेक्स्ट बुक को कंपेयर करते हैं। अब ये है ना एफर्ट्स होते हैं, जैसे मान लो इसको चेंज किया, अगेन लोगो हटा दिए, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक क्लासिकल टेक्स्ट था, इसको थोड़ा चेंज किया गया, कईयों को पसंद नहीं है, जैसे मुझे भी इतना खास पसंद नहीं था, अगेन कलर्स मनोज जी ने पंची हैं, तो अगर हम ये सोचेंगे कि लाइट क्यों कर दी, ये प्रोडक्ट खराब हो गया, लेकिन आप यहाँ समझो इस चीज़ को, मतलब जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो क्रिएटिव डिसीजन, तो आपको पता नहीं होता कि इसका आउटकम क्या निकल के आएगा। जैसे मनोज जी ने भी अपना पुराना फॉलो किया कि यार पंची कलर रखेंगे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम का जब उस समय काफ़ी माहौल चल रहा था, जब मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाले, बट मैपली तो पेपर देखे उन्होंने गलती करी, ये वाइट नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब मनीष जी ने बहुत ही बेहतरीन काम करा यहाँ पर, ये इतने सुंदर फोटो दिए, प्लस क्या होता है कि यहाँ पे जो विंटेज, मतलब इसी बुक का विंटेज कवर देना था, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, एक वेरियंट कवर की एक बात आ जाती, तो मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट लग रहा था। तो यहाँ पर भी सेम उन्होंने किया, अगेन फिर क्या होता है कंपेयर करोगे तो आपको ये कलर पंची लगेंगे, फिर वही डिफरेंसेस 175 पीछे भी ऐसे होगा, वो ऐड थोड़ा डिजिटल कर दिया, फिर अंदर जो ब्लैक एंड वाइट इसके कवर्स थे उसको, अंदर जो भी ऐड वगैरह था उसको रंगीन कर दिया, कलर कर दिया अच्छा क्वालिटी का। और अब अंदर की आप प्रिंटिंग मतलब फोकस कर देता हूँ, एक्चुअली एक हाथ में पकड़ के बनाना पड़ता है वीडियो, इसी से दिक्कत भी क्या हुई थी कि मैंने अभी एक हाथ में पकड़ के एक अनबॉक्सिंग भी बनाया था RCG सेल का, तो बीच में मैंने बबल रैप को कट करने से पहले पॉज कर दिया था, तो मैंने जब कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई थी तो RCG टीम ने मना ही कर दिया था कि यार आपने बीच में पॉज क्यों किया, तो ये अनएडिटेड वीडियो नहीं रहा, ठीक है। तो ये मतलब ये चीज़ है, देखो आप देख सकते हैं, मतलब कलर आपको पंची पसंद आएंगे तो ये ज़्यादा पसंद आएगा आपको।
बट ये भी मतलब इंडिविजुअल में आपको बोल रहा हूँ, फिर आप अगर इंडिविजुअल हाथ में पकड़ोगे, जैसे अगर आपने भगवान श्री राम की बुक सीधी फर्स्ट टाइम जब आई थी, पहले तो वे प्रिंट हुई तो काफ़ी अच्छी लगी थी, बट जब आपको इस कंपेयर के लिए दूसरा हो जाता तब आप फिर कंपेयर करते हो, तो वो है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, इनका MRP 100 है, इनका MRP 75 है सॉरी, और फिर अगेन इस पर डील मिल गई थी, इस पर फिर डील कम मिलती है, क्योंकि मनीष जी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट बहुत कम मिलता है देखने को, ये एक सच्चाई है, मतलब मुश्किल से 5% मिलता है। मनोज जी की बताओ, आपको बताइए कितने मिल जाती है। अगेन फिर वही सेम बस सेम पैटर्न देखो, वही इन्होंने मैट फिनिश के पेपर, मतलब मनोज जी का ये है कि उनके ध्रुव के मामले में वो हमेशा विनर रहे हैं, मतलब सुपर कमांडो ध्रुव के जो 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 ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था, और हमेशा ही वो RCS जी से आगे रहे हैं, मतलब ये तो ये ट्रूथ है एक। लेकिन मनीष जी ने अपना फिर नेक्स्ट एफर्ट किया, इतने सारे प्रोडक्ट आने के बाद वो सोचा अब क्या करें। कलर को लाइट करने का ना फ़ायदा ये होता है कि आपको ना आर्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो आर्ट देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाती है लाइट वर्जन में। यहाँ पर मे भी ऐसा हुआ हो, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो, बट फिर भी ये वो, और फिर टेक्स्ट छोटा किया। अब टेक्स्ट छोटा किया ये तो दिखता है, लोगों को बोले कि यार ओड लग रहा है, लेकिन उसका रीज़न मे भी ये रहा हो कि यार आर्ट को ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, बैक करेंगे फिर ये, इसको थोड़ा इसका आप देखते हो कलर लाइट में, अगेन ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, इनके जो कवर्स हैं वेल लेमिनेटेड अच्छे हैं, मतलब हाथ में क्वालिटी अच्छी लगती है। मतलब अगर आपको राम और हनुमान वाली क्वालिटी पसंद आई थी, मतलब ये इतनी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, मैंने 2-3 कॉपी ले ली थी इसकी, लेकिन वही क्वालिटी इसकी है, ऐसा नहीं कि बुरी क्वालिटी है, बट ये है कि हाँ लाइट प्रिंटिंग है, पर इतनी लाइट भी नहीं है कि आपको काम नहीं चले। देखिए आप एक अच्छी कई बहुत अच्छी लगी क्वालिटी, अगर आप मनोज जी वाली बुक्स नहीं, और फर्स्ट टाइम बिग साइज़ में है ये, और प्राइसिंग अगर आप देखें तो ये देखिए, जैसे कि ये सीन मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये वाला सीन, अब ये सीन लाइट में है, डार्क में, अब देख लीजिए तो इसमें आर्ट, और देखिए उस वाले में थोड़ा और साफ नज़र आ रहा है, बट फिर कलर बिल्कुल चेंज हो गया है थोड़ा सा। ये एक चीज़ है, अब आप इसको देख करके आप डिसीजन ले सकते हैं आपको क्या करना है उस हिसाब से। तो मेरा तो एक्चुअली इसको स्किप करने का प्लान था, बट वो जस्ट वो हाथ में लिया, कंपेयर किया, और उसी समय मैंने ऑर्डर कर दी थी, तब मेरा द्रोआरम की 2 कॉपी लेने का प्लान नहीं था। यहाँ पर डेफिनेटली देखो ये थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि ब्राइट है ये, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। और आई थिंक संजय गुप्ता जी के मैसे हुआ था, मे बी इन्होंने उस स्टैंड को साथ ध्यान में रखा हो, क्योंकि संजय जब ये 60 रुपये गए थे, संजय जी 100 रुपये गए थे, ये विद नोवल्टी आई थी, विदाउट नोवल्टी आई थी, और लोग उसको प्रीमियम समझते थे, लोगों ने लिया भी। तो अगर आप उसको प्रीमियम समझते हो 100 रुपये में स्मॉल साइज़ में, जब ये 60 में आई थी, तो जब ये 100 में आती तो इसको देखो बिग साइज़ में। तो वो 2-3 चीज़ें हैं, मतलब मुझे नहीं पता वो उसको कैसे कैसे करोगे, लेकिन ये चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रखी। ऐड वगैरह को फिर से काम किया गया है, देखिए प्रिंट अब सब में बिल्कुल वही रहेगा, अंदर जो ये ब्लैक एंड वाइट कंटेंट होगा, यहाँ पे आपको ये कलर कंटेंट मिलेगा। अगेन आप इसको किस तरीके से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ही विंटेज भी जाना है तो फिर तो बताने जरूरत नहीं कौन सा लेना आपको, बट हाँ चेंज है आपके हाथ में, बिग साइज़ में है, डेफिनेटली बिग साइज़ में अच्छी लगती है आर्ट वगैरह, देखिए आप, और पेपर की क्वालिटी अच्छी है, कवर की क्वालिटी अच्छी है, अंदर कलरफुल काम किया गया है, और प्राइसिंग इसकी बहुत अच्छी है। देखिए अगेन यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वगैरह काम किया, मतलब कुछ चेंज किया उन्होंने, अभी इसको अच्छा है बुरा जो आप समझो आप समझ सकते हो। मैं सारी बुक्स आपको कंपेयर कर दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका एंड जो अब देखिए यहाँ पे ये इतना बुरा नहीं लग रहा, बस वो एक स्वर्ग की तबाही बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया था। यहाँ पे देखिए आपको इतना बुरा नहीं लगेगा ये कवर, यहाँ पे ये ठीक लगेगी क्वालिटी, समुद्र का शैतान में, अगेन अंदर के सारे आई थिंक हर जगह ब्लैक एंड वाइट ही चल रहा था क्या उस ज़माने में, यहाँ पे आपको कलर मिल रहा है, मतलब आप इसको अच्छा भी समझ सकते हो। बैक का कवर है देखिए, फिर इसमें थोड़ा सा कलाकारी करी हुई है, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया गया ऐसा है, बर्फ़ की चिता, अगेन मनोज जी के कलर्स पंची हैं, रेगुलर साइज में प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, ये जो 100 रुपये वाला जो अलॉट आया है इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, यहाँ पर अगेन वही कलरफुल। तो ये एक बेसिक थीम आप पकड़ सकते हो, फिर ये ऐसे चलेगा, रूहों का शिकंजा, खैर ये भी बुरा नहीं लग रहा, अब देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा बल्कि अच्छा लग रहा है, पर ये कि टेक्स्ट वगैरह लोगों वगैरह चेंज किए गए हैं तो वो तो करे गए हैं, ये सारी ब्लैक एंड वाइट थी क्या। मुझे थोड़ा लहू के पैसे में अनुपम जी का कवर उन्होंने ऐड में दिया था, बट फिर ओचिलो का कवर दिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है साइज़ वगैरह का, अगेन ये कलर आ गई थे क्या, सारे ब्लैक एंड वाइट है क्या। महामानव मैंने पढ़ी थी, अच्छी लगी बुक मुझे, यहाँ पे कोई कमी मुझे नज़र नहीं है मनीष जी वाले, और फिर भी ना हाथ में बिल्कुल जैसे राम हनुमान वाली क्वालिटी थी वही क्वालिटी। देखिए यहाँ पे काम किया गया, कुछ बैकग्राउंड हल्का सा चेंज किया गया, अंदर सब कुछ कलरफुल किया गया है, यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट था ऐसी बेदी वाला, तो वो थोड़ा सा चेंज किया गया, ये है डिफरेंस। आई थिंक मैं इसको जितना लंबा करना चाहूँ वीडियो उतना लंबा हो जाएगा, बट अब मैंने अनबॉक्सिंग में भी आपको कवर्स तो कंपेयर कर ही दिए थे, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं कर देता हूँ। ये सारे ब्लैक एंड वाइट था कि मुझे लगा कि कुछ में आया था, ये तो सारा कलर मिलेगा आपको,
बहरी मौत है। आप देख सकते हैं ना, लाइट होने से आर्ट भी साफ नज़र आती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। दोनों बातें आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलरिंग वगैरह थोड़ी चेंज करेगी। मतलब आप का क्या टेक है, आप किस लिहाज से लेना चाह रहे हैं? आप बहुत बड़े कलेक्टर हैं, आपको विंटेज लुक चाहिए, तो आप इस, तो फिर तो आप ये भी कलेक्ट करेंगे। और अदरवाइज अगर सिंगल आपको चाहिए बिग साइज़ में एक्सपीरियंस करना है इसको, देखिए आप इसे ना टेक्स्ट को छोटा कर दिया, साइज़ को बड़ा कर दिया, तो आपको आर्ट और ज़्यादा उभर के नज़र आती है। ये सारा कुछ हटा दिया, इवन मनोज जी के लोगों ने ये जो सुपर कॉर्नर ध्रुव श्रद्धांजलि सब कुछ हटा दिया है, तो वो आप इस चीज़ देख सकते हो। क्वालिटी बुरी बिल्कुल नहीं है, मतलब कवर भी अच्छे हैं और प्लस इनके अंदर पेपर भी अच्छा है। देखिए ये अगेन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए राज कॉमिक्स यहाँ पे येलो कर दिया है मोटा सा, यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें की हैं। आपको आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ अंदर से ब्लैक एंड वाइट, हाँ देखो ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इसमें कलर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारी बुक से कवर इसमें दिए हुए नागराज के। खैर तो अब मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी पूरा कर देता हूँ, हर जगह वही चीज़ वही नज़र आएगा। पर प्रिंटिंग मतलब बुरी तो कहीं से भी नहीं है, बस ये कि हाँ मनोज गुप्ता जी ने ये जो 100 रुपये वाला एडिशन आया है इसमें कहीं से कोई भी कमी नहीं है। मतलब पहले जैसा ना कहीं पर गोंद चिपक जाता था, कुछ हो जाता था, ये तो ज़बरदस्त क्वालिटी दी है मैंने। ऐड वगैरह में हल्की 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 कलरिंग कुछ 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 चेंज किया है। यहाँ पे अगेन देख लीजिए आपके सामने बिना शर्ट थोड़ा छोटा लगा, फॉन्ट छोटा है, बड़ा भी करते तो चलता मतलब, लेकिन उस वक्त नहीं पता लगा तो वो एक रहता है, कंपेयर कर सकते हैं इसको। चैम्पियन किलर ये काफ़ी फेमस हो रहा है अभी, वॉल हैंगिंग शायद इसकी दे रहा है हमको, ये वॉल हैंगिंग इसकी दी जा रही है हमको। ठीक है पेंटिंग ठीक है इसकी। बैक में देखेंगे, बैक में तो बहुत ही चेंज कर दिया इन्होंने, ये जो बुक्स थी यहाँ पे ध्रुव पुराना वाला था, यहाँ पे एक नया ऐड कर दिया, तो ये चेंजेस हैं। मतलब अब आप इस चेंज को किस तरीके से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अंदर जो कुछ ब्लैक एंड वाइट था उसको पूरा कलर कर दिया गया है। देवता की मणि का 2 बार ऐड था, यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पे तूफान जो ऐड लगा दिया, क्या पता असली में जो, क्योंकि मुझे लगता है मनोज वाला बिल्कुल एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हुआ होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको पता होगा चीज़ होगा। इसको मिरर इमेज कर दिया गया, अब ये संजय जी में मिरर इमेज था या नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मिरर इमेज कर दिया गया और इसकी स्टैंडिंग भी हमको देखने को मिलेगी। अगेन पीछे तूफान जू का ऐड है, तूफान जू के ऐड में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। अंदर क्या है, अच्छा मनीष जी अंदर फिर कलर होना ही था, यहाँ पे देखिए ध्रुव वो चेंज हुआ, ध्रुव है ये सब कुछ है इसमें। प्रिंटिंग लाइट अब अच्छी है, मतलब इतनी बुरी नहीं है, मतलब वो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है, अंदर कलर है, ठीक है। ये एक एक था अच्छा, फिर भी अच्छा परचेज है, जब भी आउट ऑफ स्टॉक होगा जाएगा तो इसका काफ़ी वैल्यू रहेगी। मतलब फुली लेमिनेटेड बढ़िया है, वीडियो भी लेना अच्छा लग रहा है। फ़ॉन्ट छोटा कर दिया है, सुपर कॉर्नर ध्रुव लोगों सब हटा दिया, देखो ध्रुव का लोगो भी हटा दिया, ये भी लगा दिया, सब कुछ हटा दिया, कुछ भी नहीं रखा। ऐसा नहीं कि मनोज जी का तो लोगो कहाँ से लगाते हैं, बट ये था ना सुपर कॉर्नर ध्रुव ऐसा, ये सब कुछ हटा करके बिल्कुल क्लीन आपको आर्ट दी गई है। ये थोड़ा इनका विजन उस समय में भी रहा होगा। ये काफ़ी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये नागराज सफर में, नागराज सफर एक्चुअली ऐड दे दिया, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था, मतलब ऐड में उस कवर क्या पता रिवील नहीं होता है, तो ये छोटे मोटे चेंजेस किए गए, मे भी आपको पसंद आए। अगर आपके बहुत सारे वर्जन पड़े तो फिर आपको नया वर्जन पसंद आता ही है। वीडियो विलेन से अब कलर शुरू हो गए, अच्छा वीडियो विलेन के बाद आई थिंक अब कलर ही कलर आएंगे इस मनोज जीवन में, मतलब एक्चुअल में कलर आए होंगे, तो अब फ़र्क कम होता चला जाएगा। पागल का तिरो की टोली, तो यहाँ पे देखिए अंदर फाइट रोज कलर में, इधर भी फाइट रोज कलर में ही है। कवर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लोगों सारे हट गए हैं आर्ट, और ये फॉन्ट को छोटा कर दिया है, लाइक थोड़ा सा अजीब लग रहा था फॉन्ट छोटा, पर ठीक है अब डिफरेंस कम हो जाएंगे। फिर आया नागदंत का ऐड अंदर की तरफ, सेम भाई ये देखिए पीछे डॉक्टर वायरस में भी कुछ चेंज किया है कि इन्होंने, नहीं वैसे ही रखा है ऐड को, भाई छोटा मोटा ना ये लोगो वगैरह सब हटा गए, वो थोड़ा ठीक लग रहा है। ब्लैक कैट रोड रोलर का ऐड है, यहाँ पे भी रोड रोलर का ऐड है, अगेन लाइट है तो थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है आपको। कई बार देखो अब ये इस तरीके की चीज़ में फिर आपको ये पसंद आता, जैसे यहाँ पे था, वो डिपेंड करता है कि ध्रुव के शुरू की कलरिंग इतनी अच्छी थी कि आपको फ्लैट कलरिंग वो अच्छी लगती है करके। अब तो पूरा कलर ही मिलेगा, सेम टू सेम रखा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे ऐड अलग था क्या, क्यों सेम था? यहाँ बैम बैम बिगेलो का ऐड है, कौन सी बुक है ये? ब्लैक कैट में यहाँ पे बैम बैम बिगेलो का ऐड दिया है, और यहाँ पर जो ऐड दिया है वो दिया है सैंडमैन का, ठीक है से दिया है, ठीक है से दिया है। अच्छा नहीं, वैसा ही है जो था एक्चुअली, मैंने गलत कर लिया था उसको, ठीक है। तो ये आई थिंक इतना काफ़ी
काफ़ी रहेगा ये, अभी बहुत डिटेल बना देता हूँ बनी गया देखो, पर फिर भी ना बिग साइज़ में फर्स्ट टाइम पेपर वेक्स होल्ड बना अच्छा लग रहा है मुझे। आत्मा के चोर का ऐड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो डिजिटलाइज कुछ किया है, मैं भी यहाँ पे कुछ हो देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर आप देखिए कलरिंग फ्लैट है यहाँ पे, यहाँ पे कलरिंग का जो है थोड़ा सा हल्का डिजिटल सा किया था। इतना बुरा नहीं प्रिंट, आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरा प्रिंट है। यह चीज़ें चेंज किए हैं बताइए, थोड़ा लाइट प्रिंटिंग है दलदल। यहाँ मनीष जी के मैं ब्लू कलर सा लिया, यहाँ पे बिल्कुल वाइट है, वो आप डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने हमारा ध्रुव को ऐड इतना अच्छा लग रहा है ना, ये फुल क्लोज में बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए नागराज और पापराज का कवर, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सेम ही है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। दलदल के बाद आती है उड़ती मौत, अब इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अब देखो मनीष जी वाली बुक्स अच्छी लग रही हैं इस वक्त, अभी इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, तो वो एक कुछ में हो गया। आई थिंक संजय गुप्ता जी को उन्होंने वो उस समय स्टैंडर्ड मान के रखा होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो महंगी थी, लोगों ने ली भी थी, तो इनकी सोच ये रहेगी कि अगर वो लोगों को वो प्रीमियम पसंद आता है तो इसको और बड़े साइज में और अच्छा प्रीमियम कर देते हैं। चंद्रकाल की ऑप्शन गाइड है, मौत के चेहरे गाइड आ गया था क्या वायर, मौत के चेहरे गाइड मुझे काफ़ी पसंद है। उड़ती मौत अगेन वही चीज़ें, सारे लोग हटा दिए, सिर्फ टाइटल रखा है, अच्छी बात है, मतलब लोगों छोटे कर दिए ताकि आठ आपको। चंद्रकाल की ऑप्शन अगेन देख लीजिए, बिल्कुल ब्राइट है, इसमें तो कोई कमी है नहीं, लोगोस सारे हट गए हैं। फिर वही मैंने मारा जो ऐड होगा इसके पीछे, यहाँ पर जो है फायर टोर्स वगैरह है, ये विजय नागराज का ऐड है। तो आई होप आपको ये कंपेयर अब थोड़ा आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। और ये देखिए मैंने अपने टेबल पर थोड़ा एक चेंज किया था, कि कई बार क्यों जैसा हो जाता है, तो बुक्स रखने से पहले मैंने देखिए ग्लास पे ये रख लिया था, तो ये कि पोस्टर मल्टी अच्छा मैंने आपको वीडियो दिया था ना वोल्टी का देखना इससे पहले वाला, तो ये मल्टीपल टाइम फोल्ड था, तो मैंने कहा ग्लास के नीचे रखूँगा तो सीधा हो जाएगा, फिर मैं इसका कुछ लेमिनेशन या कुछ करने की कोशिश करूँगा, हालांकि अच्छा लग रहा है ग्लास टेबल में। अच्छा मैंने डेजलिंग यूनिट ध्रुव इसलिए रखा क्योंकि जब ये बुक्स मेरा नहीं थी, जब मैंने ऑर्डर की थी, मैंने मनोज जी की भी मैंने अभी ऑर्डर करी है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और मनीष जी की भी। बस ये था कि मैं एक्चुअली इसका मैं रिव्यू करूँगा धीरे धीरे करके, तो जैसे जैसे ये बुक्स आती जाएंगी मेरे को कंपेयर के लिए ये बुक्स चाहिए होंगी, तो इनकी ज़रूरत तो थी पर डबल कॉपी नहीं, मतलब कम से कम एक कॉपी होती तो चल जाता, मैं कंपेयर ज़रूर करूँगा। और फिर जब आप साइज़ की बात करेंगे तो पुराना जो साइज़ था, देखिए यहाँ पर न्यू जो साइज़ है वो देख लीजिए आप, तो मतलब ये कि जो मनीष जी वाला रिप्रिंट है वो नई वाले डेजलिंग यूनिट्स को कवर कर रहा है, तो फिर जब आप कंपेयर करते हो दोनों को तो कंपेरिजन थोड़ा ईजी हो जाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम इसी से कंपेयर क्या करूँगा। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।